हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कॉलेज बैडस बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान ईबो को अवॉइड कर रहा था, जिस वजह से ईबो बहुत परेशान हो जाता है। जब जान कॉलेज पहुँचता है तो ईबो जान को खींच कर कॉरिडोर से एक रूम में ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिस पर ईबो जान को सिमलेस कहता है और वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। ईबो भी उसके पीछे स्माइल करके अपनी क्लास में चला जाता है। जैसे ही जान अपनी क्लास में पहुँचता है तो मिंग्या उसे देख कर पूछता है, जान कहाँ थे तुम? जान कहता है, मैं कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ थी तो था। मिंग्या कहता है, तुम मेरे साथ कब थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढा, तुम नहीं मिल रही, पता है टीचर आने ही वाले हैं क्लास में। तो जान कहता है, हाँ आए तो नहीं है ना? मिंग्या कहते हैं, पर तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम थे कहाँ? जान कहता है, मैं कहीं नहीं था। जब वो इतना कहता है तभी क्लास में सर टीचर आ जाते हैं। टीचर को देख के मिंग्या चुप हो जाता है। वो जान की तरफ देखता है, जान एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। तभी मिंग्या कहता है, तुम सच में जान, तुम मुझसे सच में कुछ छुपा रहे हो? जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और एक स्माइल करता है। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचता है तो शुहंग बोलता है, ईबो तुम कहाँ थे? ईबो कहता है, मैं तो यही था। शुहंग बोलता है, ईबो तुम मुझे सच सच बता रहे हो कि नहीं, आखिर तुम्हारे और जान के बीच में चल क्या रहा है? ईबो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है शुहंग, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो शुहंग कहता है, ईबो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब तुम मुझे सच बता रहे हो कि नहीं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? ईबो एक स्माइल करता है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। ईबो कहता है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है तुम्हें क्लास पर फोकस करना चाहिए। शुहंग बोलता है, तुम भी ना, ऐसा कहता है और उसकी तरफ क्लियर देता है। ईबो एक स्माइल करता है और क्लास तभी सर क्लास आते हैं और क्लास लेने लगते हैं। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। शुहंग और ईबो दोनों कैंटीन में थे। दोनों जान और मिंग्याओ का वेट कर रहे थे। तभी मिंग्याओ शुहंग बोलते हैं, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तुम मिंग्याओ को इतना मिस कर रहे हो? तभी ईबो कहता है, क्या तुम मिंग्याओ को इतना मिस करती हो? शुहंग बोलता है, शट अप, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, समझे तुम? तुम्हारे और जान के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे क्या कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? ईबो कहता है, शुहंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और जान के बीच कुछ चल रहा है? तभी शुहंग कहता है, तुम क्या मुझे बच्चा समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता होगा? ईबो कहता है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी शुहंग एक स्माइल करके कहता है, अच्छा मुझे लगता है अब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है। ईबो कहता है, शड़ा तुम्हें क्या लगता है, मैं और जान हम दोनों के बीच कोई चल रहा है? बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं कोई गे नहीं हूँ, ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, तुम जानते हो ना मुझे तो हॉट और सेक्सी लड़कियों में इंटरेस्ट है। शुहंग ईबो की तरफ देख रहा था शॉकिंगली। तभी ईबो और शुहंग को तो पता ही नहीं चलता अपनी बातों में। ईबो और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहता है जिसे जान और मिंग्याओ दोनों सुन लेते हैं। जान जब ईबो की ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके हार्ट के मिलियन पीसेस कर दिए हैं किसी ने। उसकी आँखों में आंसू आने वाले थे। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं किसी ने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने वाले थे, लेकिन बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है और शुहंग और ईबो के सामने आ जाता है। मिंग्याओ और जान दोनों सामने आ जाते हैं। तभी ईबो जैसे ही जान को देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो पूरा शॉक हो जाता है। तभी वो जान की तरफ देख के एक स्माइल करता है, लेकिन जान ईबो की तरफ देखता भी नहीं है और वह
जैसे इबो अपने पास की चेयर ध्यान के लिए खिसकाता है, जान दूसरी तरफ जाके शुयांग के पास बैठ जाता है। इबो ये देखता है तो शौक हो जाता है और वो जान तभी वहाँ मिंग्या बैठ जाता है और मिंग्या इबो से कहता है थैंक यू इबो। इबो मिंग्या को देखता है पर वो मिंग्या से कुछ भी नहीं कहता। इबो जान की तरफ देख रहा था तभी जान शुयांग से कहता है तुमने भी खाना स्टार्ट नहीं किया। तो शुयांग कहता है अरे हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ रह गए थे। तो मिंग्याओ कहता है हमको एक अर्जेंट काम था इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे। शुयांग ओके कहता है। जान तो पूरी तरीके से इबो को अवॉइड कर रहा था, वो तो इबो से बात तो छोड़ो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि जान को हुआ क्या है, अब क्या हो गया है। अपने मन में कहता आखिर अब इस लड़के को क्या हो गया है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, अब क्या हुआ है। जान इबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अपने हार्ट में अजीब सा फील हो रहा था जान को इस तरह के बिहेव से। जान इबो से ज़्यादा बात नहीं करता। इबो कुछ पूछता है तो बस हाँ ना का जवाब देता है। मिंग्या और शुयांग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच अभी सडनली हुआ क्या। तभी वो लोग वेटर को बुलाते हैं और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। खाना आता है, वो चारों फिनिश करते हैं। तभी जो मिंग्या कहता है जान चलो हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। जान भी खड़ा हो जाता है। तभी इबो कहता है जान मुझे तुमसे बात करनी है। जान कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे क्लास के लिए जाना है, हम बाद बात करेंगे। ऐसा कह के वो मिंग्याओ के साथ वहाँ से चला जाता है। इबो ये देखता है तो एकदम शौक हो जाता है। शुयांग कहता है इबो क्या हुआ है। इबो कहता है मुझे नहीं पता वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। शुयांग बोलते कोई भरोसा नहीं, तुमने 100% फिर उसके साथ कुछ कर दिया होगा। तभी जान इबो को याद आता है कहीं उसने वो बात तो नहीं सुन ली। वो अपने मन में कहता ओ शिट कहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऐसा देर सोचता है, उसे अपने हार्ट में एक अजीब सा पेन फील होता है। वह जल्दी से जान के पीछे जाता है लेकिन जान और मिंग्याओ तब तक अपनी क्लास में एंटर हो चुके थे और उनकी क्लास में टीचर भी आ चुके थे। इबो वहीं खड़े होकर जान को कई बार देखने की कोशिश करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जान एक बार इबो को देखता है और फिर उस तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। वो एक बार भी इबो की तरफ नहीं देखता, जिसे देखकर इबो बहुत हर्ट हो जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है आखिर मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। उसे उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो जान की क्लास के सामने ही बस इधर से उधर घूम रहा था। तभी वहाँ एक सर आ जाते हैं। जैसे ही वो इबो को वहाँ देखते हैं तो वो इबो से कहते हैं इबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इबो कहते हाँ सर मुझे पता है, ऐसा कहता है। तभी वो सर इबो को डांट देते हैं और इबो चुपचाप से अपनी क्लास में चला जाता है। वो क्लास में तो चला जाता है लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल क्लास में नहीं था। शुयांग इबो से कहता है इबो तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्लास पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। तो इबो कहता है मैं क्लास में फोकस कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। पर वो शुयांग से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही दोनों की क्लास फिनिश हो जाती है। तभी जान मिंग्याओ से कहता है मिंग्याओ मुझे आज घर पर बहुत अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो। तभी मिंग्याओ कहता है जान मुझे थोड़ा शुयांग से कुछ नोट्स लेने हैं, उसने मेरे लिए नोट्स बनाए हैं, तुम वेट करो मैं भी लेके आता हूँ। जान कहता है ठीक है मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आना। शुयांग कहता है ठीक है, ऐसा कह के वो क्लास से बाहर निकलता है और सीधा शुयांग की क्लास में चला जाता है। मिंग्याओ शुयांग और इबो जैसे मिंग्याओ को देखते हैं तो शुयांग एक स्माइल करता है। तो मिंग्याओ कहता है मेरे नोट्स। तभी इबो कहता है मिंग्याओ जान कहाँ है। तो मिंग्याओ कहता है जान वो क्लास में मेरा वेट कर रहा है क्योंकि आज उसे घर जल्दी जाना है ना इसलिए उसे कुछ काम है। इबो कहता है कहाँ है वो।
तो मिंग्याओ कहता है वो तो क्लास में है, ऐसा कहता है। इबू कहता है ठीक है तुम आओ जब तक, मुझे जान से कुछ काम है, ऐसा कह के वो जान की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो जान की क्लास में जाता है तो वो देखता है जान एक बेंच पे बैठ के अपने बैग को बैग में बुक्स रख रहा था। इबू जल्दी से अंदर जाता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। वो जान से कहता है जान कि क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जान इबू की तरफ देखता है गुस्से में और उसके हाथ से अपना हाथ झटक लेता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। इबू ये सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है जान क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी जान कहता है अच्छा मैंने कैसी बातें की हैं, एटलीस्ट मैं तुम्हारी जैसी हरकतें और तुम्हारी जैसी बातें तो नहीं करता। इबू जान के मुंह से ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। तभी इबू कहता है जान कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैंने क्या कहा है। तभी इबू जान से पूछता है, जान इबू से पूछता है इबू सच बताओ क्या तुम्हें सबके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। इबू ये सुनता है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। वो जान से कहता है कैसी बातें कर रहे हो जान तुम। जान कहता है इबू सच बताओ तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना, तुमने उस दिन वॉशरूम में मेरे साथ जो किया, फिर तुमने अभी क्लास में किस मॉर्निंग में मेरे साथ जो किया, अगर किसी को सच में पता चला तो कोई क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। और हाँ तुम्हें जब लड़कियाँ पसंद हैं तो तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। इबू ये सुनता है तो वो जान से कहता है जान मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जान कहता है इबू अगर मैं किसी और के मुंह से सुनता तो हो सकता था कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे मुंह से सुना। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम कोई गे नहीं हो, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो हॉट और सेक्सी लड़कियाँ पसंद है। इबू कहता है जान मैं सुयांग से बस देखो जान मेरी बात सुनो। जान इबू से कहता है मुझसे दूर रहो इबू, मुझसे दूर रहोगे वही अच्छा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं गे हूँ, हाँ तुम्हें लगता है मैं गे हूँ। इबू कहता है जान कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हें हो क्या गया है मेरी बात सुनो। लेकिन जान इतना गुस्से में था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इबू जब जान की आंखों में आंसू देखता है तो वो कहता है जान प्लीज़ जान मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरी बात तो सुनो। जान कहता है इबू सुनने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है अब हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं, एटलीस्ट मुझसे तो दूर ही रहना तुम। इबू ये सुनता है तो जान को अपनी तरफ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम जानते हो ना मैंने वो सब कुछ इसलिए नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं चाहता था उसे सुयांग को मुझ पर और तुम पर शक हो गया था, उसे लगता है हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली उठाए, समझे तुम। इबू जान इबू की तरफ देखता है और इबू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी इबू कहता है जान प्लीज़ मुझे समझो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, पर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे मुझे वो पसंद नहीं है, तुम जानते हो ना। इबू जान से कहता है तुम कोई भी बात किसी चीज़ को क्यों नहीं समझते हो जान, तुम बस जो सुनते हो समझते हो उसी चीज़ पे फैसला ले लेते हो, तुम्हें इतना गुस्सा इतनी जल्दी कैसे आता है। जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी इबू कहता है जान प्लीज़ रोना बंद करो, तुम जानते हो ना तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जान कहता है छोड़ो मुझे जाने दो। इबू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता खुद से दूर, तुम जानते हो जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करते हो तो मेरी सांसें ऐसा लगता है जैसे मेरा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। जान जब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से इबू की तरफ देखने लगता है। इबू कहता है हाँ मैंने सुयांग से कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुझ पर और तुम पर शक हो रहा था कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है जान, पर कोई तुमसे कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ मैंने इसलिए कह दिया कि मैं कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं करूँगा, पर तुम जानते हो ना
मुझे नहीं पता ये सब क्या है जान, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करता हूँ, बहुत ही अलग। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम किसी और से बात करते हो, किसी और के पास होते हो। मैं मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर मैं तुम्हें ऐसा कहता है और जान की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो जान को ब्रूटली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान भी इबो को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और डीप किस कर रहे थे। तभी जान इबो को गुस्से दूर करता है। जान इबो कहता है, क्या अब क्या हुआ? जान कहता है, कोई आ जाएगा, ये क्लास है। इबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है, नेक्स्ट टाइम इस तरह से मत करना मुझे अवॉइड, समझे तुम? और उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी जान भी कहता है, और तुम नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत कहना। नहीं पता नहीं, मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इबो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी अब ऐसा नहीं कहूँगा। दोनों एक दूसरे से स्माइल करते हैं और उस क्लास से बाहर निकल आते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, आखिर कल क्या होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।